हिंदू धर्म में पितृ पक्ष के दौरान कुछ कामों के करने की मनाही है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके पितर आपसे नाराज होते हैं बल्कि आपको पितृ दोष भी लग सकता है। हिंदू शास्त्रों में हर दिन और वार के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन जो लोग गलती कर बैठते हैं, भले ही वे जाने या अनजाने में की गई भूल हो, उसका उन्हें विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर आप पितृ पक्ष के बारे में जानते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि इन दिनों अपने मृतक परिजनों की निधन तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म किया जाता है। लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे काम भी हैं जो पितृ पक्ष में करने से आपको पितृ दोष लगता है। ऐसे क्या काम है जो पितृ पक्ष में नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले, बाल ना कटवाए। मान्यता है कि जो लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तर्पण करते हों उन्हें पितृ पक्ष में 15 दिन तक अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो सकते हैं। दूसरा, किसी भिखारी को घर से खाली हाथ ना लौटाए। कहा जाता है कि पितृ पक्ष में पूर्वज किसी भी वेश में अपना भाग लेने आ सकते हैं, इसलिए दरवाजे पर कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इन दिनों किया गया दान पूर्वजों को तृप्ति देता है। तीसरा, लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। कहा जाता है कि पितृपक्ष में पीतल या तांबे बर्तन ही पूजा तर्पण आदि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लोहे के बर्तनों की मनाही है, लोहे के बर्तनों को अशुभ माना जाता है। चौथा, नया सामान ना खरीदे। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दिन भारी होते हैं, ऐसे में कोई नया काम या नया सामान नहीं खरीदना चाहिए, जैसे कपड़े, वाहन, मकान आदि। पांचवा, दूसरे का दिया अन्न ना खाए। मान्यता है कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को 15 दिन तक दूसरे के घर बना खाना नहीं खाना चाहिए और ना ही इस दौरान पान खाना चाहिए। 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुका है, ये 14 अक्टूबर तक रहेगा। तो आप अगर हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो आपको इस दौरान इन नियमों का पालन भी जरूर करना चाहिए।